नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि सीमित समय में सीमित बच्चों के बीच में अपना एक कौशल प्रेजेंट करना, अपनी एक स्किल प्रेजेंट करना, ये सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रस्तावना कौशल की बात कर रहे थे। प्रस्तावना कौशल के अंदर डिटेल से देखना है, आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। प्रस्तावना कौशल गणित सब्जेक्ट की कुछ टॉपिक बनाए हैं, कुछ और बना रहे हैं। मैंने कहा जब भी आप कोई भी कौशल प्रेजेंट करने जाओ, सबसे पहले आपको बोर्ड मेंटेन करना है। बोर्ड कैसे मेंटेन करना है देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे दिनांक लिख दीजिए 27 सितंबर 2018। दिनांक के नीचे आप लिखोगे विषय हमने लिख लिया है गणित। कौशल अपना कौन सा चल रहा है? प्रस्तावना कौशल। कक्षा 7th क्लास का टॉपिक है कलास। फोर्थ पीरियड है और स्मेलवी। समय अवधि क्या है? 5 से 7 मिनट। कोई भी कौशल 5 से 7 मिनट का ही होता है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट रहता है प्रकरण, यानी कि अपना आज का टॉपिक क्या है। और अपने टॉपिक नहीं लिखते हैं प्रस्तावना कौशल के अंदर, अपने क्या कहते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं धीरे धीरे। देखिए कैसे आते हैं। सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन पुट करना है जो बच्चों को आता ही आता है। हमें ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? हमें भोजन करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा भोजन। सेकंड क्वेश्चन, भोजन में हम सामान्यता क्या लेते हैं? भोजन में हम सामान्यता क्या लेते हैं? भोजन में समय लेते हैं रोटी सब्जी। रोटी, जब यहाँ पे रोटी नाम आ गया, सबसे पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान से, उसके बाद क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है उस आंसर को आगे से आगे पुट कीजिए। भोजन को पुट कर दिया, अब रोटी को पुट कीजिए। रोटी दिखने में कैसी होती है? कैसे होती है? गोल होती है। गोल आकृति को मैथ में क्या कहते हैं? गणित के अंदर गोल आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? वृत्त कहते हैं। टॉपिक आ गया अपना यहां पे वृत्त। क्वेश्चन 500 पुट करना है। जो लास्ट प्रश्न है वो समस्यात्मक होना चाहिए। वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं? वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या करना है? डायरी के अंदर अपने लिखना है इसको। समस्यात्मक लिख दिया, प्रकरण अपना हो गया वृत्त, और इसको कर दिया अंडरलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई बता दे वृत्त के बारे में तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप बता दीजिए कि हाँ, हम आज वृत्त के बारे में और अधिक विस्तार से अध्ययन करेंगे, और यहाँ पे टॉपिक डाल दीजिए वृत्त। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर।